हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ बिरयानी। तो मैं यहाँ पे वेजिटेबल बिरयानी बना रही हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आज हम इसको कुकर में बनाएंगे और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये हांडी वाली बिरयानी नहीं है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर ले लिया है और मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। ज़्यादा छोटे ना काटे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम साइज़ के टुकड़ों में इसको कट कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे तेज़पत्ता, दालचीनी, एक बड़ी इलायची और 6 से 7 काली मिर्च और लौंग, और मैंने यहाँ पे 4 से 5 जो हैं इलायची ली हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू लिया है, इसको बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, और गोभी और गाजर और बीन्स, और अगर आप चाहें तो मटर भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे हरी मिर्च को बीच से कट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज ले रही हूँ, एक नहीं मतलब 2 प्याज ली हूँ, इसको लंबा लंबा कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 ग्लास बासमती राइस ले रही हूँ मैं, तो 1 ग्लास के हिसाब से हम इसमें पानी यूज़ करेंगे। तो मैं इसको भिगोने वाली नहीं हूँ, हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे 2-3 बार। ऐसे इसको हाथों से मसल लीजिए और जो पानी है इसको आप सेपरेट कर दीजिए। बस 2-3 बार अच्छे से इसको पानी अलग करके जो है धो लीजिए। अब हम इसको ऐसे ही रख देंगे। तो चलिए अब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। उसके बाद गर्म होने के बाद आप यहाँ पे जो है प्याज ऐड कर दीजिए। तो इसको हमें जैसे लाल बिल्कुल प्याज करते हैं ना, ब्राउन वाला प्याज होता है, वो हमें कर लेना है। तो इसको आप मीडियम आँच पे इसको कर लीजिए। तो देखिए ब्राउन हो गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं इसी में पनीर को भी फ्राई कर लूँगी, तो पनीर को भी फ्राई कर लीजिए हल्का सा, इसको चला लीजिए। तो कुकर में ही हम सारी चीज़ें कर लेंगे। तो हल्की चित्ती आने तक मैंने इसको बहुत ही हल्का फ्राई किया है। अब मैं इसी तेल में 1 टेबलस्पून जीरा ऐड किया हूँ। अब इसको हम स्प्लटर हो जाने के बाद जो भी खड़े मसाले हमने लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको आधा मिनट इसको ऐसे ही फ्राई कर लेना है, जिससे कि जो मसाले हैं इनका अरोमा अच्छे से आ जाए। और यहाँ पर मैं थोड़े से प्याज ऐड कर रही हूँ फिर से। अब मैं यहाँ पे जो है 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक को मैंने यहाँ पे क्रश कर लिया है। तो आप यहाँ पे इसको पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको हम पका लेंगे, जिससे कि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो हमने सब्जियाँ ऐड की हैं तो वो हम इसमें डाल देंगे, जैसे गोभी हो गई, गाजर, बीन्स, और ये मिर्च भी हम साथ में ही ऐड कर देंगे, आलू भी हम ऐड कर देंगे। और इन सब्जियों को हम लगभग 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो आप इनको धीमी आंच पे थोड़ा थोड़ा बीच में चलाते रहिए और इनको हल्का सा फ्राई कर लीजिए, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम बिरयानी में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और 1.5 चम्मच लगभग मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है। स्वादानुसार नमक ऐड कर दें। अब मैं यहाँ पे लगभग 2 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, जिससे कि मसाले नहीं जलेंगे। तो अब इसको हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे दही ऐड करने वाली हूँ, इसके लिए आप फ्लेम बंद कर दें या फिर बहुत ही स्लो करें, और दही को अच्छे से फेंट लीजिए, उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए बर्तन में और इसमें ऐड कर दीजिए वो पानी भी, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम थोड़ा देर के लिए बंद कर दें, मिक्स हो जाए, नहीं तो ये क्या दही फट जाता है अगर फ्लेम ज़्यादा गर्म होती है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, 3 से 4 मिनट तक पका लें। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो गया, बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है। और यहाँ पे मैं
पनीर के क्यूब्स भी ऐड कर दूंगी, इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा बेस जो बिरयानी का है। अब मैं यहाँ पे जो है पुदीना पत्ती और जो ब्राउन ऑनियन थे वो मैं ऐड कर दूंगी। तो अब जैसे हम इसका तह लगाते हैं ना वैसे करेंगे। तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी छिड़क दीजिए। अब मैं ऊपर से इसमें जो राइस हैं उनकी एक तह लगा दूंगी, जैसे बिरयानी में लगाते हैं। तो इसको अच्छे से पूरी तरह से फैला दीजिए और उसके बाद फिर से पुदीना पत्ती डाल दीजिए। आप पुदीना ज़रूर डालिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ये ध्यान रखिए। फिर से हम ब्राउन ऑनियन ऐड कर देंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी छिड़क दूंगी और थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी आप छिड़क दीजिए। बस हमारा जो है तह लग गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी भी ऐड कर रही हूँ, आप यहाँ पे केसर वाला दूध भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे एक ग्लास चावल लिए थे तो उसके लिए मैं एक ग्लास और आधे से थोड़ा कम पानी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए आधा ग्लास पानी लिया था, उसमें से इतना और बच गया है, बस इतना ही आपको पानी लेना है। अब मैं इसको बंद कर दूँगी, आपको चावल वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है। आप इसको एक सीटी दीजिए और एक सीटी ऐसे ही मतलब बंद करके रख दीजिए, गैस बंद हो जाए। और जैसे गैस अपने आप पूरी स्टीम अपने आप निकल जाए उसके बाद ही आप इसको खोलिए। तो देखिए चावल बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, एक एक चावल एकदम अलग अलग है, बिल्कुल बिरयानी जैसा टेक्सचर आया है। मैं इसको नींबू और ऑनियन के साथ सर्व कर रही हूँ। तो देख रहे हैं आपको बिल्कुल बिरयानी जैसा ही टेस्ट आएगा, बहुत ही वैसा ही टेक्सचर आएगा। और अच्छे से सब्जियाँ भी पक गई हैं, मैंने सब्जियाँ बड़ी बड़ी इसीलिए काटी थी कि वो अच्छे से उभर के आएँ और वो बिल्कुल ओवर कुक नहीं हुई हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस रेसिपी को शेयर करिए। बाय बाय।